नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं थोड़ा अपना दोस्त TC शर्मा ते अज थोड़े लिए लेके आया हाँ कुछ क जानकारी जेड़ी के बहुत लोगों को तकरीबन पता ही है, पर फिर भी अजे कुछ लोग इस तो अनजाण हैं, क्योंकि हिंदी दे विच तां काफ़ी वीडियो बनिया हुई भी सत अजूबे किहड़े आ, पर आपां हुण तुहानूं दस्सांगे पंजाबी दे विच। दोस्तों अज आपां गल करांगे दुनिया दे सत अजूबियां दी। सब तो पहला आपां सत अजूबियां विचों गल करदे हां। पहले अजूबे चीन दी दीवार, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इस दी एवरेज ऊंचाई की गल करिए तकरीबन 23 फुट बनती है इसकी एवरेज ऊंचाई। जिस तरह एक कितों ज़्यादा कितों घट, एक थान तो इसकी ऊंचाई है जी 4,722 फुट उच्ची भी है एक जगह तो। ते जे आप इसकी लंबाई की गल करिए 21,196 किलोमीटर लंबी है जी, पहाड़ों विच दी तैयार की है। तो ये तैयार भी दोस्तों बंदिया ने रल के की है, कोई खास एडी मशीनरी का ये प्रयोग नहीं होया उस वेले। तकरीबन 2300 साल पुरानी आ, ये 5वीं सदी के बानी शुरू हुई सी दोस्तों, तो 16वीं सदी तक कंप्लीट हुई बनती रही ये। तो ये बनाया, इनू बनाउन दा जिहड़ा कारण सीगा वो जानी मेन कारण यही सी वी जिहड़ा पहला सम्राट होगा इहदा चाइना दा, उस ते हमले करदे सीगे। नाल इहदे हैगा देश मंगोलिया ते होर कई देश आ, वो हमले करदे सी। उन्हां हमलिआं तों बचाउण वास्ते पहलां ये दीवार आ जिहड़ी छोटी हुंदी सी, फिर उस दे राजे ने यह दीवार आ जिहड़ी उच्ची करवाई। तो 1987 दे विच इस नूं दुनिया दा जिहड़ा वर्ल्ड दा अजूबा मन्निया गया दोस्तों। इस दी जिहड़ी विशालता दा अंदाजा आपां इस गल तों भी ला सकदे हाँ वी इन्नी वड्डी है ये, वी जे आपां इहनूं आकाश तों देखीए ना तां साफ दिखदी आ। जिहड़े बंदे आ उपर तुरिया फिरदे आ, जिहड़ी बंदिआं दी एक्टिविटी आ जिहड़ी वी बंदा तुरिया फिरदा पता लगदा, इन्नी वड्डी दीवार आ। ते चौड़ी भी काफ़ी है ये। माछू पिछू दोस्तों दक्षिणी अमरीका दे पेरू शहर दे विच स्थित है। माछू पिछू भी जिहड़ा सत अजूबियां दे विचों एक अजूबा है दोस्तों। ये पत्थरां दे नाल बनिया शहर है। इस दी समुंदर तल तो जे ऊंचाई की गल करिए 2,430 मीटर की ऊंचाई ते पुरु बांबा की घाटी तो एक पहाड़ के उत्ते बनया होया है। इनू इनकाओ का गुआचा होया शहर भी कहिंदे आ। 1430 एक राजे ने इसनू बनाया सी दोस्तों। उस तो बाद कोई हमले वगैरह होए तां ओह राजा 1430 तो बाद दे विच 100 साल बाद जो हमला वगैरह होया तो उस इस तरह ही छड़ के उन्होंने चले गए। बाकी लोग तो इतों के जानते ही सीगे लोकल ये जगह नूं, पर जिहड़ा दुनिया दे विच मशहूर किया जी ने वो एक टूरिस्ट सीगा, उन्हें लभ्या ये। उन्हें दस्या भी आ देखो आ चीज़ आ शहर आ। हुण इत्थे काफ़ी टूरिस्ट आउंदे आ दोस्तों। अगे आपां गल करांगे मसीह उदारक क्रिस्ट द रिडीमियर। ब्राज़ील दे विच स्थित है ये। इनू क्रॉस ऑफ रिडीमर दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है दोस्तों। ये स्टैचू है जिहड़ा ईसा मसीह दा प्रतीक है। ये मूर्ति जिहड़ी बहुत काफ़ी उच्ची है ते 130 फुट उच्ची 98 फुट चौड़ी है दोस्तों। इनू दुनिया का दूजा सब तो वड्डा स्टैचू मन्या जांदा दोस्तों। दोस्तों ये मूर्ति है जिहड़ी ना फॉरेस्ट पार्क है उहदे विच एक कोकोवाडो पर्बत की चोटी है उहदे ते स्थित है।
इस मूर्ति नूं 1922 तों 1931 दे विच इहदा निर्माण कीता गया ते इस दा वजन आ जिहड़ा दोस्तों ये 635 टन है। ईसाई धर्म का यह प्रतीक है मूर्ति। ब्राजील आ जिहड़ा देश है उहदी पहचान बनी हुई है ते इत्थे बहुत टूरिस्ट आउंदे आ दोस्तों। चारे पासे पहाड़ आ इहदे ते इहदा नज़ारा जिहड़ा है वह बहुत सुंदर दिखाई दिंदा है। इत्थों अगे आपां गल करदे हां ताजमहल दी। जिहड़ा ताजमहल है ये अपने भारत दे विच हैगा दोस्तों स्थित। भारत दे विच जिहड़ा यूपी राज है उहदे विच आगरा दे शहर विच ये बनिया वा ताजमहल दोस्तों। ये जिहड़ा मकबरा सीगा ये बादशाह जिहड़े शाहजहां उन्हें अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया सी। क्या वेखला राजे उदों की कुछ बनाते सी। अजकल आप बना सकते हैं दोस्तों देख लो। यदि जी नीह आ वो 1632 रखी उन्हें तो जाके 15 साल बाद दोस्तों 1647 दे विच पूरा किया गया। वर्ल्ड के जोड़े 7 अजूबे आ दोस्तों उस विच इस 1983 दे विच शामिल किया गया दोस्तों। ये जिहड़ा ताजमहल है इत्थे बहुत टूरिस्ट आउंदे आ लखां दी तादाद दे विच। इहदी टिकट हैगी आ 50 रुपये। चलो बाहर दी गल तां होर आ, इंडिया दा जिहड़ा आपां नूं इह तां जरूर देखणा चाहीदा इंडिया दे विच रहि के। ते जिहने ताजमहल नहीं देखिआ तां उहने होर की देखिआ। अगे गल करदे आ आपां पैट्रा। जिहड़ा पैट्रा यह शहर है ये अरब दे रेगिस्तान दे विच वसिया साउथ जॉर्डन दा शहर आ दोस्तों। ये जिहड़ा शहर आ दोस्तों ये चारे पासे जिहड़ा हैगा वह पहाड़ां दे नाल घिरिया होया ते पहाड़ां दे सेंटर दे विच बनिया। कट कट के पहाड़ां नूं बनाया गया। सारे पासे दे पत्थर ही पत्थर आपां नूं दिसदे आ ते जिहड़ा पत्थरां दा रंग है उहदे करके भी इहनू थोड़ा जिहा लालीच करके ना इहनू रोज़ सिटी भी कहिंदे आ पैट्रा नूं। ते 1985 इस नूं जिहड़ा शामिल किया गया सीगा अजूबे दे विच जिहड़े 7 अजूबे आ। ते इस नूं एक जिहड़ा 1812 दे विच आ जिहड़ा स्विथ ट्रैवलर आ जिहड़ा जॉन नां दा जिहड़ा सी उहने लभिया सीगा। इनू लॉस्ट सिटी दे तौर पर भी कहा जाता लॉस्ट सिटी। ये जॉर्डन दे विच स्थित है। ये जिहड़ा पैट्रा शहर की पानी की सप्लाई है जिहड़ी वो एन मूसा झरने तो आउंदी दोस्तों जिहड़ा 7 किलोमीटर इत्थों दूर है दोस्तों। अगे आपां गल करदे हां चिचन इज़ा। चिचन इज़ा जिहड़ा ये भी एक अमरीका दे जिहड़ा मैक्सीको अमरीका दा मैक्सीको दा एक शहर है चिचन इज़ा। ये जिहड़ा ये भी एक 7 अजूबियां दे विचों एक अजूबा दोस्तों। ये माया सभ्यता दा जिहड़ा हैगा मुख केंद्र मन्निया जांदा दोस्तों। चिचन इज़ा जिहड़ा उहदे सेंटर दे विच ना एक शहर दे विच एक मंदिर है कुकुलका मंदिर है इस नाँ का। ये जिहड़ा मंदिर है ना इहदी खासियत यह आ भी इहदे चारों पासे आ जिहड़ियां 91-91 पौड़ियां ते जिहड़ी एक पौड़ी आ वह मान लो भी साल दे एक दिन दे बराबर है। जे साल दा एक दिन मन्नांगे तां चारों पासे समझ लो भी 364 पौड़ियां बन गईआं इहदियां। ते जदों अखीर ते जा वड़दे आ उपरला चबूतरा जिहड़ा वह 365 बन जांदा। इहदी उचाई है जिहड़ी वह 79 फुट आ तकरीबन 79। ये जिहड़ा मंदिर आ दोस्तों ये भी देखण वाला चिचन इज़ा दे विच ये मंदिर है दोस्तों। चैनल नूं सबसक्राइब ते लाइक जरूर करिया करो दोस्तों। वीडियो आ जिहड़ी ना वह एंड तक देखना क्योंकि एंड ते आपां 8वें अजूबे की भी गल करनी है दोस्तों। 7 अजूबे तो हैगे पर आपां नूं ये भी होना चाहिए भी 8वां अजूबा कि होना चाहिए। अगे गल करांगे आपां कलोजियम की।
ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਮ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆ ਉਹ 70 ਤੋਂ 72 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 80ਵੀਂ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਟ ਟਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆ ਇਹ ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50,000 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।